दोस्तों, वो कहते हैं ना, कभी किसी चीज़ का समय नहीं आता, लेकिन हमें समय निकालना पड़ता है। कुछ ऐसी ही ट्रिप है मंसूरी की, जहां हम दो दोस्तों ने बात करी और बस निकल पड़े एक अनजाने से सफ़र में, एक खूबसूरत सा दिल में ख्वाब लिए और उन ऊंचे हिमालय को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है खोजी अनुपम यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे साथ हैं डेनिस, और आज हम लेके जा रहे हैं आपको बहुत ही स्पेशल ट्रिप पे। और दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पे हैं अभी हम, NH 24 पे, और गुड़गांव से चले थे 7:30 बजे, और अब टाइम होने वाला है करीब 10:12 मिनट, और काफ़ी जाम हमें मिला, इसलिए अभी ब्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर पाए, लेकिन अभी धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत होने वाली है। तो इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा, ये उत्तराखंड की सीरीज़ डेनिस और मैं मिलके लेके आ रहे हैं आपके लिए, और एक एक पार्ट को मिस मत करिएगा। अभी हम यहाँ से पहले हम घर पे रुकेंगे मुरादाबाद, और फिर हो सकता है रात में ही चल दें या सुबह चल दें मुरादाबाद से उत्तराखंड की तरफ। तो कल पूरे दिन भर आप अपडेटेड रहिएगा, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं @khojianupam और @DennisLatius। तो आप, मैं आपको इसमें YouTube में नीचे लिंक भी दे दूंगा, तो सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी हम आपको दिखा देता हूँ हाईवे बैक कैमरे से, और फिर आपको आगे मिलते हैं। तो यह है कुछ इस तरह के था हाईवे, और यह है अपनी बुलेट रानी 350 इलेक्ट्रा जिससे हम जा रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी मस्त यहाँ पे माहौल हो रखा है, और देखिए पूरा हमने राइडिंग बैग अपना बांध रखा है, पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया मौसम है, और ऊपर देख सकते हैं खूबसूरत चाँद। तो कैसा लग रहा है आपको ट्रिप? एक्साइटिंग। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ट्रिप कर रहा है भाई, अपने साथ ही कुलीग है, एक्साइटेड हूँ मैं, तो एंजॉय करेंगे बहुत। और ये देखिए, और बीच हाईवे में थोड़ी देर के लिए रुके हैं, तो कैच यू सून आगे, और पूरे ब्लॉग को मिस मत करिए क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है। ब्लॉग के एंड तक जुड़े रहिए। थैंक यू। दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं गजरोला टोल से पहले, और अभी आने वाला हमारा गढ़ मुक्तेश्वर, और जो कि आपका ब्रिज है, और रात के बज चुके हैं 11:30, और भाई लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी बुलेट, सही चल रही ऊपर वाले की दुआ से, इसका ही हवा के मजे ले, इसी का भरोसा है। सबसे पहले तो ऊपर वाले का है, उसके बाद ये साथ देनी चाहिए तभी कहीं पहुँच पाएंगे, और रात का टाइम है क्योंकि, तो इसलिए आराम से जा रहे हैं। और अभी थोड़ा लेट हो गया है 11:30, तो मुरादाबाद रुकने का पक्का हो गया अब, और मुरादाबाद रुक के अब निकलेंगे मुरादाबाद से सुबह। तो अभी हमारे साथ बने रहिएगा रात भर, जब तक हम घर पहुंचते हैं, और जब तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे आगे भी, और सिनेमैटिक बीच बीच में शॉट्स इन्जॉय करते रहिएगा, भाई ले रहा हमारे शॉट्स सारे, और बीच बीच में वो हम डालेंगे इसमें। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, यहाँ पर चाय बनवा रहे हैं, और ये टोल है, यहाँ पर टोल पर हम अभी रुके हैं, और यहाँ पर चाय पी के अब आगे बढ़ते हैं। तो पूरा व्लॉग देखिएगा, मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वाला व्लॉग होने वाला है। पहली बार हम आपको गुड़गांव से सीधे लेके जा रहे हैं उत्तराखंड के हिमालय तक, दिखाएंगे आपको इस बार। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने रात मुरादाबाद में ही गुजारने की सोची क्योंकि 12 बज चुके थे, और दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद हम काफ़ी थके हुए भी थे, तो हम रात को मुरादाबाद में ही रुक गए, और 12 बजे करीब पहुंचने के बाद हमने वहां अच्छे से खाया पिया और सो गए, और अगले दिन सुबह का इंतज़ार करा। सुबह होते ही हम 9 बजे करीब मुरादाबाद से निकल गए अपने उस हिमालय के सफ़र पे, जिसका ख्वाब मैंने बहुत समय से देख रहा था। मुरादाबाद की सड़कों और तंग गलियों से होते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों के लिए ही एक अनजान सफ़र था क्योंकि हम मंसूरी तक कभी भी नहीं गए थे, तो हमने सोचा था कि इन 3 दिनों में इस सफ़र को अपनी बुलेट से पूरा करना है, और बुलेट से चलने में तो इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि बुलेट लगातार कल रात से चल रही थी, तो काफ़ी गर्म थी, और गर्म होने के बाद तो ये पानी की तरह बहती है। और ये देखिए मुरादाबाद की जामा मस्जिद हम मुरादाबाद पार करने का संदेशा बता रही है, और यहीं रामगंगा, जैसे कि हर एक शहर की सीमा पे एक नदी होती है जो बताती है शहर का अंत आ गया है, तो उस रामगंगा नदी को पार करते हुए हम पहुंच गए रामपुर काशीपुर हाईवे पर, और यहां से हमने अपनी एक्सीलेटर को थोड़ा थ्रॉटल दिया, और दोनों भाई इंजॉय करते हुए रामपुर की तरफ चल दिए। रामपुर की तरफ 4-लेन हाईवे है, तो हमारा रूट प्लान तो आप समझ ही गए,
हम गुड़गांव से मुरादाबाद आए, मुरादाबाद से अब हम रामपुर से सीधे हल्द्वानी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सोच रहे थे कि आज अल्मोड़ा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि हम आज पहुंच पाते हैं कि नहीं। चिलचिलाती धूप हो रही थी क्योंकि सुबह ही निकल गए थे, 9 बजे का समय था और हाईवे पे भी काफ़ी धूप हो रही थी, तो एक दो जगह हम रुकते हुए पानी वानी पीते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो देख सकते हैं हम रामपुर के हाईवे पे चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मुल्तवारी जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस ट्रिप को काफ़ी अच्छे से आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक अनप्लान ट्रिप थी तो हम इसे बहुत ही अनईजी वे में, बहुत ही जल्दबाजी में हमने इसको प्लान किया, क्योंकि अगर आपको इसमें प्लान करके आना होगा तो आपको काफ़ी छुट्टियां लग जाएंगी। हमने करीब एक दिन में करीब 300-300 किलोमीटर की यहां पे कवरेज करी है, और इसीलिए हम ये ब्लॉग 3 पार्ट्स में आपको दिखाएंगे, जिसमें डे 1 तक अल्मोड़ा तक दिखाएंगे, और डे 2 में हम आपको दिखाएंगे अल्मोड़ा से लेकर जब हम यहाँ से बिरथी फॉल तक पहुँचे थे रात को, उस वहाँ तक का नज़ारा दिखाएंगे, और फाइनली डे 3 में आपको पूरा खूबसूरत ब्लॉग दिखाएंगे। ये रामपुरी चाकू पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगर है, क्योंकि रामपुर रामपुरी छुरी के लिए मशहूर है ख़ास तौर पे, और यहाँ के जो फनकार हैं, जो कारीगर हैं, वो एक से एक खतरनाक चाकू बनाने में माहिर हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, खोजन फॉर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस समय हम खा रहे हैं बिरयानी भाई, और अभी हम पहुँच चुके हैं रामपुर, और रात हम पहुँचे थे बहुत लेट, तो दिखा नहीं पाए थे, 1-2 बज गया था पूरा, और फिर हम खाने पिए, सुबह 2 बज गया, अब सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी तरफ को, और अभी हम रामपुर पहुंच चुके हैं, अभी 9 बजे मुरादाबाद से चले थे, और पूरे ब्लॉग में बने रहे क्योंकि बहुत ही आपके लिए शानदार ये ब्लॉग आने वाला है। और टेरे भाई अभी पेट पूजा कर रहे हैं, और सुबह तो कुछ खाया नहीं था, घर से भी ऐसे निकल गए थे जल्दी जल्दी में, ताकि टाइम से पहुँच के आपको जल्दी से ब्लॉग दिखाना शुरू करें। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मिलते हैं आगे। तो अब हमने रामपुर को भी यहाँ पे क्रॉस कर लिया, रामपुर की सीमा से भी बाहर आ गए, अब आना था रुद्रपुर। अब रुद्रपुर के लिए हमने बाइक को थोड़ी और तेज़ी दी, तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं रुद्रपुर, और रुद्रपुर में भी काफ़ी जाम था, थोड़ी सुकून की तलाश थी कि कब पहाड़ दिखने शुरू होंगे, कब थोड़ी सी गर्मी से निजात मिलेगी। बाइक वॉशिंग, और यहाँ थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, डैनिश कर रहे हैं अपने घर पे बात, और मम्मी से कर रहे हैं बात अपनी, मम्मी पूरी अपडेट ले रही हैं कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो अभी चल रही है हमारी ब्लॉगिंग, और अभी हम पहुँचते हैं यहाँ से रुद्रपुर 1/2 घंटे में, फिर यहाँ से पहुँचेंगे नैनीताल, भवाली, भवाली से फिर निकलेंगे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, फिर मुंतवारी, शाम तक मेरे ख्याल से पहुँच पाएंगे, और रास्ते का सारा अपडेट मिलता रहेगा आपको, पूरा रूट हम आपको बताएंगे। गुड़गांव से सबसे पहले आपको आना पड़ेगा दिल्ली, दिल्ली से आपको आना पड़ेगा हापुड़, हापुड़ से आना पड़ेगा मुरादाबाद, मुरादाबाद से फिर आपको निकलना पड़ेगा रामपुर, रामपुर से आपको आना पड़ेगा रुद्रपुर, हल्द्वानी, फिर आप आगे जा पाएंगे। तो ये पूरा रोड मैप है, और आपको डिस्क्रिप्शन में ही पूरा रोड मैप दे दूंगा, तो हमारे पूरे ब्लॉग को आप फॉलो करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिखने शुरू होंगे, कब थोड़ी सी गर्मी से निजात मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री के करीब जा रहा था, जून की गर्मी तो आप सब जानते ही हैं, पर मैं और डेनिस दोनों एक मन में एक उस हिमालय की पिक्चर लेके आगे बढ़ते जा रहे थे, जो हमने अपने ऑफिस में बैठ के अपने मन में सोचा था, लेकिन सफ़र जब हम निकलते हैं तो कुछ और ही बयां करता है। देखिए, रुद्रपुर की सिडकुल में काफ़ी सारी डाबर की फैक्ट्रीज हैं, कैडबरी की, यहाँ से मीठी मीठी चॉकलेट की स्मेल आ रही थी, इस चॉकलेट की स्मेल और इस ताज़ी हवा को लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हमारा फोकस तो था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रास्ता कवर करना है। और दोस्तों, मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं कि गर्मी के मौसम में आपको काफ़ी हाइड्रेटेड रहना पड़ता है राइड के दौरान, हल्के लाइट कपड़े पहने, जैसे मैंने वाइट पहना है, वाइट पहनने से आप अच्छे से धूप को रिफ्लेक्ट बैक कर पाएंगे, और पानी रास्ते में पीते रहिए, खाना खाते रहिए, खाना कम मात्रा में खाइए। अल्मोड़ा भी यहाँ से केवल 118 किलोमीटर था, लेकिन आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि हम अल्मोड़ा क्यों नहीं पहुँच पाए, तो आप भी जान पाएंगे कि आज के सफ़र में हम अल्मोड़ा तक क्यों नहीं पहुँच पाए। और ये अब आ चुका है आपका हल्द्वानी का जंगल, जो कि अब केवल नाम मात्र का ही
जंगल बचा है क्योंकि इसमें काफ़ी बहुत ही कम पेड़ रह गए हैं जो कि नए लगाए हुए हैं, और पुराने पेड़ तो अब बिल्कुल भी इसमें कोई देखने को नहीं मिलते। और भीमताल 16 किलोमीटर की खूबसूरत। वंस अगेन वी आर बैक, और अब हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और बस हल्द्वानी से करीब 7-8 किलोमीटर, और अभी हमने रुके हैं यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए। बुलेट खड़ी है हमारी। तो डेनिस भाई कैसा रहा अभी तक का? अभी बहुत सुहाना सफ़र रहा है और मज़ा आ रहा है घूमने। और टाइम करीब हो गया है, 1 बज रहा है, और हमें पहुँचना है आज उत्तराखंड के हिमालय दर्शन तक। पूरे आज ट्रिप जो है आपके लिए सरप्राइज, अभी बताएंगे नहीं, लेकिन बिल्कुल हिमालय से रूबरू कराएंगे आपका इस ब्लॉग में। तो ये सरप्राइज़ आपके लिए है। अभी हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, जो हमने रूट मैप लिया था पहले ही बता चुके हैं, गुड़गांव से मुरादाबाद, मुरादाबाद से भवाली, भवाली से ऊपर जाएंगे फिर हम। तो इस रूट मैप को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी हम हल्द्वानी पहुंचेंगे, फिर ऊपर पहाड़ों से आपको अपडेट देना शुरू करेंगे। तो मिस मत करिए, आगे ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और जो लोग आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और डेनिस के जो नोन लोग हैं वो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेगा हमसे आगे। और बहुत ही सरप्राइजिंग ये ब्लॉग होने वाला है, गुड़गांव टू हिमालय, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग। रानी बाग वाला ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे कई बार यहाँ पे लैंडस्लाइड भी आपने देखा होगा कि इस ब्रिज पे काफ़ी बार लैंडस्लाइड भी हो चुका है। तो अब यहाँ से हमने भीमताल से भवाली वाला रूट लिया, जो कि सबसे ईजी माना जाता है क्योंकि इस पे चढ़ाई तो अच्छी खासी है, लेकिन इस रूट से भवाली बहुत ही ईजली और जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो इन अनजाने रास्तों से तो वाकिफ़ हैं हम, लेकिन आप अगर इनसे अनजान हो तो इस रास्तों पे ज़रूर आ सकते हैं। नैनीताल जाने के लिए 3 रूट हैं। एक तो काला ढूंगी वाला रूट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और नेचर वाला ट्रेल है, उस पर कम लोग जाते हैं क्योंकि उस पर चढ़ाई काफ़ी है। और दूसरा रूट आपका ये रानी बाग वाला है जो कि भीमताल होते हुए जाता है। और तीसरा रूट आप सीधे हल्द्वानी से दो गांव होते हुए ऊपर सीधे नैनीताल की तरफ जा सकते हैं, वो भी रूट अच्छा है। ये 3 रूट हैं, और एक रूट और है जो कि आपका रामनगर की तरफ से नैनीताल के लिए सीधे डायरेक्ट चढ़ता है, जो रानीखेत तक जाता है, उस रूट को भी आप ले सकते हैं। और छोटे मोटे रूट तो काफ़ी हैं। देखिए यहाँ तक भी काफ़ी गर्मी थी चिलमिलाती हुई, और अभी तक हमें राहत नहीं मिल पा रही थी गर्मी से, और बस आँखों में तो सुंदर बर्फ़ वाले पहाड़ थे कि कब उन पहाड़ों तक पहुँचें, लेकिन अभी सफ़र कुछ लंबा था। डेनिस लगातार सिनेमैटिक शॉट ले रहा था और मैं अपनी बाइक दौड़ा रहा था। बुलेट से प्यार करने का एक वजह हो तो बताऊं, लेकिन इसके लिए तो 1000 वजह हैं। 10 साल में मैंने इस बुलेट को इतना प्यार किया है, और इसने भी कभी मेरा पहाड़ों पर साथ नहीं छोड़ा। किसी भी रास्ता हो, कहीं भी हो, हर मंजिल तक इनने पहुंचाया है बिना कभी धोखा दिए। कई बार तो लगता है कि ये इसके अंदर भी कोई आत्मा है जो मुझसे जुड़ी हुई है और बहुत ही प्यार करती है। अब देखिए जो मैं आपको बताता हूँ कि हमें लेट क्यों हुआ, अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे हम भीमताल की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे ही जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ से देखिए खूबसूरत नीचे हल्द्वानी तक का व्यू दिख रहा था, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से शुरू भयंकर जाम शुरू हुआ, और गाड़ियों का तो पूरा समझो मेला ही सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पहाड़ पे ही जा रहे हैं, सबको प्लेन्स छोड़ने हैं, सबको पहाड़ की ओर जाना है। और यहाँ की हमारी बाइक थी उसके लिए भी कहीं जगह नहीं मिल रही थी, बस दिग्दैग करते हुए थोड़ा पहाड़ में बचते बचाते हम थोड़ी ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली हम यहाँ से भीमताल को पहुँच ही गए। और भीमताल की झील को देख के कुछ सुकून तो पहुँचा, लेकिन गर्मी से राहत अब भी नहीं मिल रही थी। भीमताल में भी टेम्परेचर 35-40 डिग्री हो रहा था क्योंकि गाड़ियों के इतने काफिले और पोल्यूशन इतना था, इन पहाड़ों से इनकी ठंडक और खूबसूरती को धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। अब भीमताल में केवल पहाड़ के नज़ारे तो हैं, लेकिन गर्मी से राहत नहीं है। केवल देखने में ही खूबसूरत हैं, लेकिन गर्मी से राहत आपको सितंबर के बाद ही यहाँ पे मिल पाती है। और स्नो तो अब भीमताल का लिए बहुत ही सपना हो गया है, केवल दूर चोटियों पे स्नो यहाँ से देखने को मिलती है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी हर तरफ एल्टीट्यूड गर्म होता जा रहा है क्योंकि टूरिस्ट और गाड़ियाँ खासतौर पर, और पेड़ों की कटाई और कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इन शहरों में बढ़ गया है क्योंकि हर कोई अपना घर पहाड़ों पर बनाना चाहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पहाड़ों को भी सांस लेने के लिए
जगह चाहिए। फाइनली हम अपने शाम खेत में पहुँचे, लेकिन पहुँचने के बाद हमारे साथ एक गड़बड़ी हो गई, वो आपको बताएंगे। इस रास्ते से हम गए थे, उस रास्ते पे ही वो रास्ता ही बंद निकला। अनुमान कभी ये बंद नहीं मिलता, लेकिन आज हमें ये रास्ता बंद मिला तो हमें और लेट हो गया। करीब 3 बज गए थे दोपहर के। ये देखिए यहाँ पे हमें दोबारा से शाम खेत वाली रोड बंद मिली, तो हमने अपनी बाइक को घुमाया और मुक्तेश्वर वाली रोड पे वापस उपटी गार्डन की तरफ से हमें यहाँ पे वापस आना पड़ा, क्योंकि ये रास्ता बंद था। इसी चक्कर में हमें पहुँचते पहुँचते 4 बज गए। हम अपने घर भवाली पहुँचे और भवाली में हमने अपना खाना बनाया और खाना पैक करके आगे की तरफ को निकल गए। सोचा था अल्मोड़ा तक पहुँच जाएंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप हमारे इस सफ़र में हमारा साथ रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे खूबसूरत 2 व्लॉग और आने वाले हैं जिसमें आपको मुनस्वारी तक का पूरा खूबसूरत सफ़र दिखाएंगे कि कैसे हमने मुनस्वारी का इस सफ़र को 3 दिनों में पूरा करा और क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आई, वो आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। क्योंकि मुनस्वारी का नज़ारा ही कुछ ऐसा है कि वहाँ ऐसा लगता है कि मानो किसी और देश में, किसी और दुनिया में आ गए। वहाँ के जीव अलग हैं, वहाँ की बनने शैली बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग दुनिया है। तो बाइक को तेज़ी से चलाते हुए अब थोड़े से हम रुक जाते हैं। तो गाइस अब हम रुके हुए हैं मुक्तेश्वर से पहले, जा रहे हैं मुनस्वारी जैसे कि आप जानते हैं। और हमने भवाली में जब हम गए थे तो हमने अपनी ने खाना बना लिया था, क्योंकि रास्ते में यहाँ मिलता उल्टा सीधा खाना, मैगी अंडा जो खाते हैं टूरिस्ट वाले इंस्टाग्राम रील वाले, हम खाते नहीं हैं वो। हमने बनाया बढ़िया चिकन, वो दिखाते हैं आपको भी बैक कैमरे से, और क्या क्या बनाया है वो आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। और मस्त यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। यह है स्विस गार्डन, स्विस गार्डन मुक्तेश्वर से पहले है। वहाँ पर डेनिस भाई और हम खा रहे हैं, अपने इंजॉय कर रहे हैं, फिर आगे जाके स्टे ढूंढेंगे। तो दोस्तों ये है अपना चिकन गरम गरम, ये देखिए भाप उठ रही है, अगर आपको दिख रही होगी कैमरे में। अपना 1 किलो चिकन बनाया हमने ग्रेवी वाला, प्लस पराठे घर से लेके आए थे। और एक बार चावल दिखा दूँ तो आपका मन खुश हो जाएगा। ये देखें गर्मा गर्म चावल बासमती, तो ये बनाया है आपके खोजी अनुपम ने पूरा। और डेनिस भाई और हम इसको मस्त वादी में खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और पूरे ब्लॉग में आप बनाइए, ये तो ट्रिप का अंदाज है, आज अंजाम बहुत ही बढ़िया होगा, तो देखते रहिए। दोस्तों चिकन और चावल खाने के बाद अंधेरा हो चुका था, अब आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रोशनी ने हमारा साथ नहीं दिया। सूरज डूब चुके थे, शाम का 6:30 करीब बज गए थे, तो अब समय हो गया था कि हम अपने रुकने के लिए एक कमरा देखें। और हमें एक बहुत ही अच्छी जगह रूम मिला और हमने रात वहीं गुजारी, और उसके बाद का नज़ारा अब हम आपको कल सुबह दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, खोजी अनुपम में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।